Boca.
से गम कभी गाफिल न हो जब तक जिए
मौनी इकराम, मुझे ये ऐलान करने के लिए हुक्म साहब दिया था कि तमाम मोमिनीन जब जमा हो जाएं तो उनके लिए ये पैगाम दिया जाए। बानियानी मजलिस सदर अंजुमन इमामिया अली नासिर साहब की तरफ से कि ये मजलिस अज़ा या जुलूस ताज़िया जो हमें इस मुकाम पर आया है और तमाम अज़ादारों के लिए जब पाकिस्तान बना था ये अज़ादारी सन 1947 से हमारे बुजुर्गों की मेहनत और साजिशों से हम तक पहुंची है और ये अज़ादारी अभी हमारे पहुंचने के बाद हमारी आने वाली नस्लों तक जाएगी इंशाल्लाह। मैं तमाम अज़ादारों से दरख्वास्त करूंगा कि हम उन तमाम अफराद को याद करें जिन्होंने ये अज़ादारी बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद हमारे तक पहुंचाई है और हम इसको इंशाल्लाह अपने आने वाली नस्लों तक इसी खुलूस इसी मुकद्दस तरीके के साथ अदा करते रहेंगे जिसका वादा हमारे बुजुर्गों ने किया है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस मजलिस अदा जो ताज़िया के बानियान जिसमें सबसे पहले बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान की अजीम और नामूर शख्सियात जिन्होंने अज़ादारी सईदुल शहदा अलैहि सलाम में बढ़ चढ़ कर अपनी कुर्बानियाँ पेश की उसमें अपना किरदार अदा किया। परवरदिगार इन तमाम मरहूमिन को जवारे मासूमिन में जगह इनायत फरमा और हमारे जो बुजुर्ग अपनी बीमारी के बावजूद सईदुल शहदा की अज़ादारी कर रहे हैं हम उनसे बात है साहब से कि वो आकर सलाम के चना शाह पेश करें बारगाह शहदा में। सलाम के चंद शेर अख्तसार मेरा पेश करने की इजाज़त हासिल करें। ख़त्म है फ़स्द कमां बोल रही है ख़त्म है फ़स्ल कमां बोल रही है ज़ैनब ख़त्म है फ़स्ल कमां बोल रही है ज़ैनब कौन बोलेगा जहां बोल रही है ज़ैनब कौन बोलेगा जहां बोल रही है ज़ैनब मुद्दतों बाद फिर से उन्हीं का लहजा मुद्दतों बाद सुना फिर से उन्हीं का लहजा कैसे झूमे नवाज़ा बोल रही है कैसे झूमे नाज़ा बोल रही है ज़ैना चुन रहा है अदबे
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين الغر الميامين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في خطابه الحكيم وفرقانه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله إذا اسمه وجل جلاله كي حمد و ثناء ودرود و سلام حضرات محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کے ساتھ ساتھ سلام ہو ہمارا ان ہستیوں پر ان لوگوں پر ان افراد پر جو باہر سے آئے اور سرکار دو عالم کی صحبت اس خوبصورتی سے ادا کی کہ انہوں نے اپنے ریش مبارک سے دہلیج فاطمہ پر جھاڑو لگا کر منا اہل البیت کا اعزاز حاصل کیا
ऐसे असहाबे बावफा पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान हो जाए, हमारे सब कुछ हम कुर्बान, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले असहाबे मोहम्मद का एहतराम करना जानते हैं। हमें दर्ज लिया गया है, हमें बताया गया है, सरकार दो आलम के असहाब की अहमियत को बताया है। असहाब के मानिए सोहबत रखने वाला, उनसे दोस्ती करने वाला, उनसे प्यार करने वाला। असहाब हजरत अली के भी हैं, असहाब इमाम हसन के भी हैं, असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, लेकिन सरकार दो आलम के असहाब के लिए ये खास लफ्ज मकतब जाफरिया के अंदर बताया जाता है कि सहाबा का लफ्ज सिर्फ रसूलुल्लाह के दोस्तों के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी के लिए असहाब अमीरुल मोमिनीन, असहाब इमाम हसन, असहाब इमाम हुसैन इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़ात सरकार दो आलम का ख्याल रखते हुए ये लफ्ज मखसूस किया गया है पैगंबर के दोस्तों के लिए। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। वक्त मेरे पास नहीं है, सलामत रहिए, सलामत रहिए। तारीखी मजलिस अदा है और आज से नहीं है, 200 बरस से है, बल्कि 1400 बरस से है। हम कोई नई चीज लेके नहीं आए हैं, इसकी एक तारीख है और इसके खिदमत करने वाले आप जैसे लोग बैठे होते थे। ये मखसूस जुलूस है जिसमें ज्यादातर उलमाए किराम आते थे अमाने अबा के अंदर, या कराची में भी ऐसा ही हुआ। ये जुलूस नवाब हसन लखनवी साहब जिन्होंने मुहर्रम के जुलूसों की इब्तदा की, जो आशूर को निकलते हैं और इसके अलावा चेलुम को और 21वें रमजान को और इसके अलावा बहुत से जुलूसों का उन्होंने तनाव इतना वो करते थे, उनके साथ मिलते और कायदे आजम तक गए और उनसे कहाँ कहाँ से दस्तखत करा के लाए। तारीखी जुलूस है, जुलूस है चुप ताजिया खास इसका नाम है। पहले कराची में जुलूसों के नाम भी होते थे, ये जुलूस चुप ताजिया कहलाता है। नवाब हसन साहब ने शब आशूर को एक जुलूस निकाला, वो जुलूस आज तक निकलता है खालिद निहाल से, उस जुलूस का नाम है जुलूस अदम यादगार हुसैनी। इसी सूरत से मार्टन रोड के इमामबाड़े से जो जुलूस 9 को निकलता है उसका नाम था जुलूस अजीम शान। इसे बाकायदा ये नाम दिए हुए थे जुलूसों के। ये जुलूस जहांगीर पार्क से निकला करता था, आजादारी जहांगीर पार्क से शुरू हुई थी, जहांगीर पार्क में हुआ करती, सन 1947 से जुलूस है। मैं इसमें तारीख थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन का इरशाद है कि बाखबर जिंदगी बसर करो, इसलिए कि बेखबरी की जिंदगी मौत ही मौत है। तो याद रखे, बातिल चाहता है कि बेखबरी में बातिल चाहता है कि, और हक चाहता है कि बाखबर होकर दुनिया से अल्लाह के सामने जाओ। बाखबर होने में से भागता वो है जिसको अपनी तारीख के अंदर कजी महसूस होती नजर आती है, लेकिन जिनकी तारीखें साफ हुआ करती हैं, जो मैदानों में जाने के कायल हुआ करते हैं, वो आगे बढ़ बढ़ के तारीख को पेश करते हैं। हजरात मोहतरम, ये जुलूस 1947 से निकले और ये जुलूस भी आखिर मीरोगल का वाहिद जुलूस था जिसका नाम चुप ताजिए का जुलूस था। ये लखनऊ से निकलता हूँ, हैदराबाद दखन में कोई चुप ताजिए के नाम से जुलूस नहीं था। मैंने ये रात को यकीन में तकरीर करते हुए कहा था कि यहां भी शायद कहा था कि आजादारी जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त हिंदुस्तान में आजादारी लखनऊ में और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर हुआ करती थी, दखन में भी बाकायदा हमारा अपनी अपनी शान और शौकत के साथ आजादारी हुआ करती थी, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ने आजादारी हुसैन को अपने अंदर समो दिया और कराची मरकज करार पाया। कराची में जहांगीर पार्क से ये जुलूस निकला करता था। 1960 में हमसे कहा गया कि आप जहांगीर पार्क को खाली कर दें, उसी वक्त नवाब हसन साहब भी होते थे और अल्लामा इब्ने हसन जारचीवी साहब ने पाक मुहर्रम कमेटी बनाई थी 1947 के अंदर, 47-48 उन्होंने बहुत एतराज किया कि हम क्यों खाली कर दें, हम जगह बदलने वालों में से नहीं हैं, हम रास्ते बदलने वालों में से नहीं हैं, हम न बदले जमाने, हम जमाने के नक्शे बदलते रहे, हमने बदला है, हम क्यों ने कहा नहीं आप खाली कर दें। हमने हमेशा ख्याल रखा, उनके अहकाम की पाबंदी की है,
किस अंदाज से शान शौकत के साथ निकलते हैं, दुनिया देख रहे आके चुना के सन 60 में पहली बार ये उस वक्त इसका नाम था पटेल पार्क। इस पटेल पार्क के अंदर आजादारी हुई, वहां मुहर्रम के अशरे जो होते थे जहांगीर पार्क में वो रात के वक्त होते थे, रात के 8 बजे से 9 बजे तक मजलिस होती थी। अल्लामा इब्ने हसन जारकीवी साहब मजलिस पढ़ा करते थे, आदमी बहुत कम हुआ करते थे, भारत वो मजलिस वहां हुआ करते। इसी तरह जब पहला अशरा इस पटेल पार्क के अंदर हुआ है तो वो भी रात को हुआ, और अल्लामा इब्ने हसन जारकीवी ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, तो अल्लामा इब्ने हसन नजफी साहब ने सन 60 में यहाँ रात के वक्त अशरा पढ़ा। एक में ये 2 साल ऐसे हुए, 61 में पहली बार यहाँ मुहर्रम का अशरा शाम के वक्त शुरू हुआ, शाम के 5 बजे, और ये अशरा अशरा मजालिस मौलाना मिर्जा अहमद अब्बास साहब काजमैनी जो साजिक हसन साहब के दी थे, उन्होंने ये 2 अशरे 61 और 62 के पढ़े। सन 63 जो था वो पहला अशरा था शाम को जो अल्लामा रशीद तुरानी साहब ने यहाँ इसकी बिना डाली, और इस शान से आगे होंगे कब तक जिक्र करोगे। हम नियत करके नहीं होते हैं कि हम रोने जा रहे हैं, क्या करें क्या करें, कि एहसास रुलाता है ज़ैनब तेरी गुर्बत का, तुम खूब भरा बीबी भाई की मोहब्बत का, अरे वो पत्थर गले जा होगा जो इस वाकये को सुन के न रोए। हमसे कहते हो मजहब में दिखाओ आजादारी कहाँ है, मजहब में आजादारी कहाँ दिखाओ, कहते मजहब में आजादारी कहाँ है। खुदा की कसम आले मोहम्मद से दूरी का नतीजा यही हो कि हम अलविदा करने के लिए आए हैं। खुदा की कसम ये समझे नहीं कि हम हुसैन को अलविदा नहीं कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी को अलविदा नहीं कर रहे हैं, हम उस इस साल की उस आजादारी के उस एहतमाम को जो माशरती तौर के ऊपर हम करते हैं उसको अलविदा करते हैं, उस वर्ष को, इन सियाह कपड़ों को, उस गम को, इसको हम अलविदा करते हैं, ताकि आने वाले मुहर्रम में फिर बढ़ के ईमान का इस्तेमाल करे और इर्शाद से इस्तेमाल हो। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले और दूसरा मुझे बड़ी हमारे जफर भाई बैठे बड़े पुराने अदादार हैं यहाँ के, बहुत पुराने। अच्छा ये जो बात मैंने कही जो अभी अलविदाई बात कही है, और ये इस्तकबाल के सिलसिले में, लबैक के सिलसिले में ये बात हमारे कौम के होनहार फर्जंद, हमारे कौम के बहुत ही अजीम फर्जंद अल्लामा इर्तज़ा अब्बास नकवी साहब ने इस बात का जवाब मुख्तलिफ जगह दिया, मुझसे भी कहा कि इस बात को जरा वाजे कर दीजिएगा। ये वो अजीम फर्जंद है जिसने अपनी इस कम उम्र में ऐसे नादिर मौजूदात पर किताबें लिखी हैं जो अब देखने के लिए नहीं मिलती हैं, और उन मौजूदात पर मौजूद गुफ्तगू उन्होंने किया और किताबें शाया की उन्होंने, छापी और मजलिसे पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में देखेंगे आप कि क्या तरक्की होगी। दूसरी चीज हमारे जफर भाई ने कहा कि सादात के ऊपर खिलाफ में बात हो रही है, ये सादात से दुश्मनी नहीं है, ये आले मोहम्मद की दुश्मनी है जो सादात से निकाली जा रही है। कोई चीज जो आले मोहम्मद से मजबूत हो जाए, ये हकीकत है कि सादात का अपना मकाम है लेकिन मोमिनीन का भी वही मकाम है, लेकिन सादात से बल्कि दुश्मनी जो कुरैशी साहब का कौन साहब है वो जिन्होंने हलीम साहब उन्होंने लिखा है कि ये इस किस्म के हैं और इनके खिलाफ में बातें की गई हैं, तो ये करते रहें, ये बातें होती रहेंगी, लेकिन ये जिक्र इसी शान से बढ़ता रहेगा, इसी शान से ये आले मोहम्मद का तस्करा होता रहेगा। हमने आज नहीं देखा है कि इनके खिलाफ कहां जा रही हो, हम तो 1400 बरस से देखते आ रहे हैं, मगर ये इश्क अली के मतवाले दुनिया के मिटाए मिट न सके, जिंदा में रहे, सूली पे चढ़े, चिनवाए गए दीवारों में, इस इश्क खूनी ताजिर ने कितने कनावीरा किए और मालूम नहीं कितने यूसुफ नीलाम हुए बाजारों में। आज कितने शहीद किए गए, खत्म कर रहा हूं बस, क्योंकि मैं अपने वक्त जुलूस निकालना। कहते हैं फला जगह की बात नहीं करो, फला जगह की बात नहीं करो, क्या इस्लाम में ये है?
किसी मुल्क का हो शहीद हो आ गए। कासिम सुलेमानी शहीद को शहीद किया गया, अबुल महजी अल मुहंदिस को शहीद किया गया, आ गए डॉक्टर नमर को शहीद किया गया। इतने लोग लाइन लगी हुई है, बाकी सिप्ते जाफर साहब, तकी हाजी साहब, आ गए अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी शहीद, मेरी जान थे अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी। आपके ऐसे ऐसे उलमा है, आपको तोड़ने के लिए उलमा से दूर किया जा रहा है, और ये आज की तारीख नहीं है, बस बरस की तारीख है। मगर आले मोहम्मद के चाहने वालों, ये पहला दरवाजा है आले मोहम्मद से मोहब्बत का जो उलमा के जरिए से जाता है। आपके ग्यारहवें इमाम फरमाते हैं, मजारियल उमूर बियदिल उलमा इलमना अला हलाल ही व हराम ही। हम तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखो तुम्हें तन्हा छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हम मासूम जरूर हैं, आने वाले मासूम नहीं होंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे होंगे। तमाम उमूर की बागडोर जो हलाल मोहम्मद को हलाल मोहम्मद समझते हैं और हराम मोहम्मद को हराम मोहम्मद समझते हैं, तमाम उमूर की बागडोर हम उनके हाथ में देके जा रहे हैं। अल्लाह ने आपको आगाए खामेनाई जैसा अजीम दुनिया देख रही है, कैसे कैसे उन्होंने खिदमतें की। आगाए शिस्तानी को हमारा सलाम, जिन्होंने खिदमतें की। इस रास्ते को बंद न कीजिएगा, इस दरवाजे को मत छोड़िएगा। हम बचपन से पढ़े गए, हमने मौलाना मोहसिन साहब की खिदमत में वहां से दर्श हासिल किया, हमने शेख मोहम्मद शरीयत की खिदमत से, हमने मौलाना लकी साहब जो यहाँ मस्जिद से पढ़ते थे, जुलूस से चुपता दिए थी, बस साहब बरस पढ़ते रहे हैं वो, हमने इनसे दर्श हासिल किया, इन्होंने हमें बताया। अजीजान मोहतरम हुसैन बड़े मजलूम, फातिमा का दाल बहुत मजलूम है, बच्चों के वक्त जुलूस निकलना है, इसलिए आपसे इस मजलिस के अंदर खास तौर पर मैं इमाम हुसैन का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। मसाहब के अंदर आज ग्यारहवें इमाम की शहादत का दिन है, आज आपके ग्यारहवें इमाम को जहर दे दिया गया। इमामों का तस्करा नहीं लिखा अल्लामा शिबली नौमानी की किताब में, जरा उठा कर देखिए आप सीरतुल नबी के अंदर क्या नहीं लिखा हुआ, तीसरी जिल्द के अंदर के पैगंबर ने फरमाया है, तीसरी जिल्द मौलाना सुलेमान नदवी ने उसको कंपाइल किया है, और किताब थी अल्लामा शिबली नौमानी ने उसे शुरू किया था, वो मर गए तो सुलेमान नदवी आ गए, उन्होंने उसको कंपाइल किया उस किताब को, उसमें लिखा है कि पैगंबर की पेशी गोइयां, उन्होंने लिखा कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद 12 होंगे जो मेरे नुमाइंदे होंगे, मेरे नुमाइंदे होंगे, मेरे नुमाइंदे होंगे लिखा है। उसके बाद लिखते हैं वो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके नाम ये है कि 3 खुलफा राशिदीन होंगे, 4 बाकी, और फिर बनी उमैया के और बनी अब्बास के नाम उसके अंदर लिखे उन्होंने। लेकिन ये भी लिखा है कि ये आले मोहम्मद, ये लिखा है कि ये आले मोहम्मद के चाहने वाले। अच्छा, उसके अंदर एक जुमला ये भी लिखा है कि जब तक ये रहेंगे, ये जो लिस्ट मैंने बताई है भी आपको कि ये 4 खुलफा होंगे और जनाबे वाला बाकी बनी उमैया के असराज होंगे, तो जब तक ये रहेंगे 12 उस वक्त दीन मुकम्मल तौर पर तरक्की करेगा और दीन बहुत शान शौकत के साथ आपके सामने पेश होगा। लेकिन उसकी जगह ये लिखा है, उसकी जगह ये जो आले मोहम्मद के चाहने वाले अपने 12 पेश करते हैं, उन 12 के अंदर अली हसन हुसैन सलाम और ये 12 हैं। तो ये तो अब फैसला तो यहाँ पर यूँ होगा कि अजीज आले मोहतरम, अगर इस फहरिस्त को मान लिया जाए जो आपने दी है 12 की, तो लिखा है कि जब तक ये रहेंगे उस वक्त तक इस्लाम शान शौकत से तरक्की करेगा, तो वो तो 12 खत्म हो गए। तो अगर या तो मान लो कि अगर इस लिस्ट को माने तो फिर इस्लाम खत्म हो गया, या ऐसी लिस्ट को तलाश करो कि जहां पर 12 जिंदा हो, जब तक वो जिंदा रहेगा इस्लाम मोहम्मद जिंदा रहेगा। उस वक्त तो आज उस ग्यारहवें को जहर दे दिया गया, बादशाहों ने हुकूमतों ने बर्दाश्त नहीं किया कि ये हमारे सामने किसी सूरत से आए। 12 जनाजे उठे, जनाजे उठे, बड़े शाम के जनाजे उठे, जनाजे में तो यही लिखा हुआ है, एक जनाजा ऐसा है कि जो उठा ही नहीं, एक जनाजे पे 3 पे चले और दूसरा जनाजा जो उठाए ही नहीं जा सकते। बड़ी शान शौकत का जनाजा था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी खिदमतें थी, अइमा के दौर में जो किताबों में तब्दीलियां की गई थी उसको ठीक करना था, सही हालत पे आप तक पहुंचाना था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दिमाग दुनिया से रुख्सत कर दिया गया, मोहतरम इमाम रुख्सत हो गए, जनाजा उठा
लोग शरीक हुए, दिल की भड़ास निकल गई, लोगों ने जनाजे को कांधा दिया, जनाजा उठा, लेकिन ईमान से बताए क्या सैयद सज्जाद के दिल में यह ख्वाहिश ना होगी कि मेरे बाबा का हक़ हूँ, मेरे बाबा का जनाजे को मैं कांधा दे लूँ। अजीजो, 28 रजब को यह खबर मिली थी कि अमीर शाम का इंतकाल हो गया है। हुसैन यहाँ आए और बैत करें इनकार कर दिया। उसी 28 रजब की रात को सामान्य सफर तैयार हुआ। हुसैन इब्ने अली शहर को छोड़ के एक मर्तबा मक्के की जानिब रवाना हुए। 28 को शहर को छोड़ा, मदीने को, दादा की कब्र को छोड़ा, माँ की तुरबत को छोड़ा। अजीजा ने मोहतरम 3 शाबान को मक्के पहुंचे। पूरा शाबान मक्के में गुजारा, पूरा रमजान मक्के में गुजारा, पूरा शव्वाल मक्के में गुजारा, पूरा ज़िलहज मक्के में गुजारा। ज़िलहज का महीना आ गया, पहली गुजरी, दूसरी गुजरी। हुसैन मक्के में काबे के सामने बैठे हुए हैं, यहाँ तक के एक दिन हज का रह गया। हुसैन इब्ने अली ने अंदाजा लगा दिया कि यहाँ ठहरना इसलिए मुमकिन नहीं है कि इसकी आग में इंसानियत का खून बहेगा। हुसैन किस दिल से हज को छोड़ के, वारिस काबा काबे को छोड़ के जा रहा था। अजीजों, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, 7वीं से आले मोहम्मद का पानी बंद हो गया। 8वीं गुजरी, 9वीं गुजरी, यहाँ तक के 9 की शब आ गई। अलतश की सजाएं खेमे से बुलंद होती रही। छोटे छोटे बच्चों की प्यास की आवाजें दुश्मनों में जाने लगी। आशूर का दिन आ गया, आप सुनते रहे हैं, सबसे पहले हुर के बेटे ने कुर्बानी दी, गुलाम हुर के गुलाम ने कुर्बानी दी, हुर के भाई ने गुलामी दी, जाके कुर्बानी दी। जब घोड़े से गिरते आवाज देते थे, लेकिन लिखा यही है कि बाप के पहुंचने से पहले हुसैन उस रास्ते पर पहुंच जाते थे। यहाँ तक के तमाम असाब शहीद हो गए, अंसार शहीद हो गए। अब दिल के टुकड़ों, जिगर के टुकड़ों की बारी आ गई। कभी औले मोहम्मद को भेजा, कभी कासिम को भेजा, कभी अली अकबर को भेजा, आखिर में अलमदार लश्कर हुसैनी अब्बास अलमदार को भेजा। लेकिन ये कह के भेजा, अब्बास जा तो रहे हो, मेरी कमर तोड़े जा रहे हो। अब्बास अजीज आले मोहतरम, अब्बास दरिया पे शहीद हो गए, हुसैन अकेले रह गए। एक मरतबा खैमे में तशरीफ लाए, मीर अजीज फरमाते हैं, हुसैन जब के चले बाद दोपहर रम को, न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के तालन को। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को, न आसरा था कोई शाह दो सराई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अजीजान मोहतरम, सबसे मुलाकात की, बहनों के पास आए, अभी के बीमार के पास आए, यहाँ तक के रुखसत होने के लिए खेमे से बाहर आ गए, घोड़े पे सवार हुए और एक मरतबा मैदान की तरफ रुख किया। अजीजों, मैदान में हुसैन इब्ने अली ने वो जंग की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मीर अली ने इस जंग को अपने शाहकार मसीह जब कता की मसाफत शब आफ्ताब में नकल किया है। अजीजों, जंग करते जाते थे कि ऐसे में एक मरतबा हमारे साथ ने देखा कि ये तो जंग किसी कीमत पर न रुक सकेगी, तो कहा हुसैन के खैमों पे हमला कर दो, सैदानियों के खैमों पे हमला कर दो। हमला कर दिया गया। हाँ अजीजान मोहतरम, वही मुख्य इमाम हुसैन ने फरमाया, अरबो अरब के रहने वाले, तुम्हारी गैरत है कि तुम औरतों के खैमों पे हमला करते हो। अजीजान मोहतरम, यहाँ तक के एक मरतबा हुसैन करबला के मैदान में अकेले रह गए। आवाज हातिफ आई कि आए हुसैन, अपने वादे तस्लीम को पूरा करो। एक मरतबा चलती हुई ज़ुल्फ़िकार पे बयान में रख लिया, पर ज़ुल्फ़िकार का रखना था। एक मरतबा भागी हुई फौजे करीब आ गई, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने नेजा उठाया, किसी ने तीर उठाया। जिसके हाथ में जो चीज आई, ये मुसलमान थे जो अपने नबी के नवासे के साथ ये कर रहे थे। अजीजा ने मोहतरम, यहाँ तक के हुसैन घोड़े के ऊपर एक मर्तबा घूमने लगे, आवाज देते कर गुंजदा, मुझे वहां ले चल जहां मेरा अकबर आला चल रहा है।
अर्जी रहो यहाँ तक के मरतबा घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। फातिमा का बेटा करबला के जमीन पे आ गया। हमारे बहुत से सैयद उलमा शहादत इमाम हुसैन को पढ़ते हुए बहुत एहतियात बरतते थे। वो ये शहादत नहीं पढ़ते थे कि खंजर गले पे किस तरह फेरा, मगर इतना जरूर कहते थे कि जब एक मरतबा जमीन करबला पे आए है ना, तो एक आवाज आई, हुसैन हुसैन मेरे बेटे मेरे लाल हुसैन आंखें खोलो, मैं आई हूँ। जब आंखें नहीं खोली ना तो मैं के आवाज दी, हुसैन लाल है ना, जब तुमने आखिरी वक्त मुझे आवाज दी थी मैंने बच्चे कसम खा दिए थे, हुसैन से ही बाहर के आवाज दे रही है। बस अभी वो उसी हालत में आप खोल के देखा कि अम्मा खुदा हो गए, अम्मा मैं जा रहा हूँ करबला के लोग पर फातिमा के बेटे की लाश पड़ी हुई थी। बस ये आखिरी बात कह के मैं जिस सवाल करो लाशें पड़ी हुई थी। इस पर ही सवाल न आया, कहा गया कि आरफ के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी फर्द को इंफरादी तौर पर करना हो नीचे दिखाना हो तो हम उसकी चलाने वाला उसका सर कलम करके लहजे में बलन करते, लेकिन अगर पूरे कबीले को खराब करना हो तो हम लहसों पर घोड़े दौड़ाते। ये अरब का कबीला है, हम लहसों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे ताकि पूरे कबीले को दलील करने की कोशिश की जाए। बस ये जब उन्होंने साहब ने आवाज दी, घोड़े सवारों के घोड़ों के नारे तब्दील की गई, उनके नारे तैयार की गई, वो सवार तैयार हुए। अजीज आले मोहतरम जब घोड़े चलने लगे तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी भी वहां पर थे, एक मरतबा दुश्मनों की तरफ से किसी ने आवाज दी, हमारे साथ जहाँ तक बात इंफरादी की हमने बर्दाश्त कर लिया, पूरे सरकार के नजर पे बलन कर दिए। अब बात पूरे कबूले की आ रही है, इन लाशों के अंदर हमारे सरदार हुड़ का लाशा पड़ा हुआ है, हम हुड़ के लाशों को पामाल नहीं होने देंगे। क्या हुड़ का लाशा उठा लो, किसी ने खड़े होकर कहा हमारे साथ इन लाशों में हमें अलग कबीले का सरदार हबीब इब्न मजाहिर का लाशा पड़ा हुआ है, हम हबीब का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। अगर लाशे के कबीर घोड़ा आया तो कयामत हो जाएगी। क्या हबीब का लाशा उठा लो, किसी ने कहा इसमें जहर कायम का लाशा है, किसी ने कहा इसमें रहने कलबी का लाशा है, किसी ने कहा इसमें जौन का लाशा है। लोग आते रहे अपने अपने शहीद के लाशे को उठा के ले जाके रखते रहे, यहाँ तक किसी ने कहा उमर साहब इन लाशों में अली अकबर का लाशा भी तो है, अली अकबर के बाद में लैला का कुछ ताल्लुक हमसे भी बनता है, तो हम अली अकबर के लाशे को बाबाल नहीं होने देंगे। काबतर का लाशा हटा लो, किसी ने कहा उनमें सरवा हमारे खानदान से है, हम उनमें कासिम का लाशा मजीद बाबाल नहीं होने देंगे। कासिम का लाशा हटा लो, किसी ने कहा उमुल वलीद हमारे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम उमुल वलीद के बेटे के लाशा बाबाल नहीं होने देंगे। सब लाशें हट गए लेकिन हामी रहा न कोई, चाहे मशरकैन का जलती जमीन पर रह गया लाशा हुसैन का। इधर से घोड़े चले, ज़ैनब ने लजब की तरफ रुख किया, बाबा मेरा भैया, बाबा मेरा भैया। हुसैन Baba बड़ी चली अदब और कायदे से सवारी है ये मजलूम करबला की। मामले इकराम आपकी रहनुमाई के लिए बोतराब स्काउट मौजूद हैं और जुलूस में तमाम पुलिस के महकमे के साथ और फौज के साथ तावन फरमाएं और जुलूस को बड़ी इज्जत और एहतराम से अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। हमें अपने शफी दे दीजिए।
तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से, अदादारान मज़लूम करबला की जानिब से, इमाम मेजी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम को जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जनाबे साहिब अल अफ इमाम मेहदी आप जमाने इस्लाम को।